So hello friends, welcome back my channel Let's Learn English, and today we will discuss the topic is tragic comedy. Friends, अगर न्यू व्यूअर है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल का, और लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर लीजिए. जो भी अगर पीजी या जो बी ऑनर्स स्टूडेंट जो कर रहे हैं उन लोगों के लिए काफी बेनिफिट देगा ये चैनल. आपको सब कुछ मिलेगा, आपका पूरा नोट्स मिलेगा, आपका एक्स्ट्रा कहीं से मेहनत नहीं करना होगा, लेकिन करना है जरूर. तो फ्रेंड्स आइए बात करते हैं आज ट्रेजिक कॉमेडी. समझिएगा ट्रेजिक कॉमेडी होता क्या. सबसे पहले पॉइंट में बताता हूँ. एक पॉइंट होता है जो बिगिंस होगा और डेवलप्स होगा. बिगिंस एंड डेवलप्स, जो बिगिंस और डेवलप होगा टू द पॉइंट ऑफ क्लाइमेक्स, टू द पॉइंट ऑफ क्लाइमेक्स एज कैसा होगा, एज ए ट्रेजडी. पहले ट्रेजडी होगा, देन तो फिर उसके बाद क्या होगा, एंड्स होगा एज ए कॉमेडी. पहला पॉइंट. सेकेंड पॉइंट जो होगा फ्रेंड्स वो क्या होगा, जो राइजिंग एक्शन होगा, जब भी राइज करेगा, जब आगे आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगा वो राइजिंग एक्शन क्या होगा, वो ट्रेजडी होगा. और जब फॉलिंग एक्शन होगा, जो राइजिंग के बाद फॉलिंग होगा, जो फॉलिंग एक्शन होगा वो कॉमेडी होगा. जैसे हम लोग मान लेते हैं मर्चेंट ऑफ वेनिस, आप पढ़िएगा मर्चेंट ऑफ वेनिस को, आपको पता चलेगा कि किस तरीके से ये ट्रेजिक कॉमेडी होता है. और ये जो डेवलप हुआ था फ्रेंड्स, ये जो डेवलप हुआ था, ये डेवलप हुआ था इन द पोस्ट में हुआ था, पोस्ट एलिजाबेथन पीरियड में, और ये कैरोलियन एज में आपको देखने को मिलेगा. तो फ्रेंड्स आइए बात करते हैं कि ये इतना समझ में आ गया है. तो आइए हम लोग पॉइंट में आते हैं. जैसे विंटर्स टेल भी देखने को मिलेगा. तो देखिए, तो पॉइंट है ट्रेजिक कॉमेडी. ट्रेजिक कॉमेडी समझ में आएगा, ट्रेजिक का मतलब दुख होगा और कॉमेडी का मतलब जो हंसे से जो हंसी लाएगा. ठीक है फ्रेंड्स, तो ट्रेजिक कॉमेडी इज ए टाइप ऑफ एलिजाबेथन पीरियड, यानी एक प्रकार का एलिजाबेथन पीरियड का ये ट्रेजिक प्ले है, ट्रेजिक कॉमेडी है. फ्रेंड्स देखे यहाँ एंड जोकोबियन ड्रामा. जोकोबियन ड्रामा आपको पता है, जोकोबियन ड्रामा कब से शुरू हुआ था पता है, नहीं पता है, यानी 1605 से समझिए, 5 से लेके जो चलता था 25 तक, इस तरीके से देख लीजिएगा थोड़ा सा. तो फ्रेंड्स ये है. आगे बात करते हैं यहाँ पे विच कंबाइन बोथ फॉर्म ऑफ मैटर एंड फॉर्म ऑफ, देखेंगे फॉर्म ऑफ ट्रेडिशन ट्रेजडी एंड कॉमेडी. ये जो है ट्रेडिशन ट्रेजडी और कॉमेडी का रूप होता है जो कंबाइंड होता है एक साथ. सो इट एक साथ मतलब कंबाइंड एक साथ मतलब होगा. ठीक है फ्रेंड्स, इट इज इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इंक्लूडेड बोथ पीपल ऑफ हाई डिग्री एंड पीपल ऑफ लो डिग्री. इसमें जो एरिस्टोक्रेटिक भी रहेंगे और जो है उन लोग भी रहेंगे जो मिडिल क्लास के, उन सब मतलब हाई भी और नीचे वाला भी, लोअर के लोअर वाला. से अकॉर्डिंग टू द रीनिंग क्रिटिकल थ्योरी के अनुसार ओनली द अपर क्लासेस वर appropriated to tragedy, while जबकि the members of lower classes were the proper subject of the comedy, while members of lower classes were the proper subject of comedy. समझ में आ गया होगा friends? तो इस तरीके से समझ में आता है कि जबकि मेंबर जो होगा लोअर क्लासेस का जो मेंबर सदस्य होंगे वो क्या प्रॉपर सब्जेक्ट उसका कॉमेडी होगा, जबकि मेंबर्स ऑफ लोअर क्लासेस होंगे उसका जो होगा प्रॉपर सब्जेक्ट कॉमेडी. दोनों सेम हो गया क्या, है ना, ट्रेजडी होगा अप्रोप्रिएट जो ट्रेजडी होगा और उसके लिए क्या होगा कॉमेडी होगा, ये डबल. ठीक है फ्रेंड्स, लगता है दो बार लिखा गया क्या. ठीक है फ्रेंड्स देखिए, तो ये होगा. ठीक है फ्रेंड्स, तो अपर क्लास जो अप्रोप्रिएट क्या होगा उन लोगों के लिए ट्रेजडी होगा, और
इन लोगों के लिए क्या होगा फ्रेंड्स, इन लोगों के लिए यहाँ देखेंगे, जब तो मेंबर ऑफ लोअर क्लासेस के लिए होगा वो जो प्रॉपर सब्जेक्ट होगा वो कॉमेडी का प्रॉपर सब्जेक्ट होगा। इट कंसिस्टेड इन ए सीरियस एक्शन, आगे कर थोड़ा देखिए, ठीक है फ्रेंड्स, ये जो है कंसिस्ट होगा मीन्स क्या होगा फ्रेंड्स, इट कंसिस्टेड इन ए सीरियस एक्शन विच थ्रेटेंड ए ट्रेजिक डिजास्टर टू द प्रोटोगोनिस्ट, जो प्रोटोगोनिस्ट को हीरो को बोलते हैं, जो मेन हीरो होता है, या फिर भी आगे देखिए फ्रेंड्स, फिर भी क्या होता है, सो बाय द एन अब्रप्ट चेंज ऑफ सर्कमटेंसेस, जो पड़ोस आसपास जो होगा फ्रेंड्स वो अचानक बदलाव आएगा, एंड एंडेड हैप्पली, और वो हैप्पली एंड होगा। सो एज जोहन फ्लेचर, जोहन फ्लेचर जो रोट लिखे हैं इन हिज प्रीफेस, अपने प्रीफेस में, टू द फैथफुल सेफर्ड्स, क्या है फ्रेंड्स, सेफर्ड्स, यहाँ डबल एस हो गया, सेफर्ड्स, सेफर्ड्स एंड ट्रेजिक कॉमेडी, जैसे वांस डेथ, वांस डेथ, सो विच इज एनफ टू मेक इट नो ट्रेजडी यट ब्रिंग सम नियर इट, सो विच इज एनफ टू मेक इट नो कॉमेडी। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आपको समझ में आता होगा। नेक्स्ट आगे आइए, सो विच मस्ट बी, जो मस्ट बी होगा वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ हेम फैमिलियर पीपल, जो जन परिचय है फैमिलियर पीपल है वो होंगे। सो ए गॉड इज फ्रेंड्स, ए गॉड इज ए लॉफुल इन एज, लॉफुल होंगे इन ट्रेजिक कॉमेडी में, एज इन ए ट्रेजिडी, और एंड मीन पीपल एज इन ए कॉमेडी। फ्रेंड्स एग्जाम्पल यहाँ देखेंगे तो शेक्सपियर का देखेंगे मर्चेंट ऑफ वेनिस, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इज ए ट्रेजिक कॉमेडी है, जिसमें बहुत बिकॉज, क्योंकि इसमें इट मिंगल्स है, क्या है फ्रेंड्स, मिंगल्स मतलब मिला हुआ, पीपल ऑफ हायर डिग्री विद लोली करेक्टर्स, हायर डिग्री और लोली लो डिग्री वाला करेक्टर्स, सच एज देखेंगे साइलोक है, क्लोन है, और लॉन्सलॉट है, गोबो है, इन सब है वहां करेक्टर मर्चेंट ऑफ वेनिस में। एंड एल्सो बिकॉज द डेवलपिंग थ्रेट ऑफ डेथ, और धमकी देता है एंटोनियो के, टू एंटोनियो इन सडनली रिजर्व, हाँ रिजर्व एट द एंड ऑफ, लेकिन लास्ट में फिर रिजर्व हो जाता, सडनली अचानक हो जाता, बाय द पोर्सिया इन जेनियस, सो इन जेनियस इन